हेलो, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। फ्रेंड्स, अगर आप बेल्टन कर्मी है या संविदा कर्मी है तो आपको वीडियो जरूर देखना है, पूरा वीडियो देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं सभी संविदा कर्मी और बेल्टन कर्मी, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल्स का स्थानांतरण या ट्रांसफर के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ट्रांसफर के संबंध में यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फ्रेंड्स, यानी ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है बिहार सरकार की तरफ से, जिसमें साफ साफ लिखा है आप लोग अपना स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं। दिखाएंगे आपको लेटर। उससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बेल्टन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए देखते हैं उस लेटर पर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इस लेटर पर डेट दे सकते हैं, 15/6/22 का है यो लेटर। बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है वित्त विभाग के द्वारा, और विषय में क्या है फ्रेंड्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल्स के स्थानांतरण के संबंध में। प्रेषक क्या है, उप निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पटना। सेवा में क्या है फ्रेंड्स, सेवा में आप देख सकते हैं सहायक निदेशक स्थापना, भविष्य के सभी निधि निदेशालय, पटना। उसके बाद यहाँ पे दो नंबर में है सभी जिला भविष्य निधि प्राधिकारी, ठीक है, यानी कि भविष्य के सारे जिला प्राधिकारी को लिखा गया है। और पत्रांक संख्या यहाँ आप देख सकते हैं 23/66 है। उसके बाद वहाँ से उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देश अनुसार कहना है कि आपके कार्यालय में प्रतिनियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण किया जाना विचाराधीन है, अतः आपके कार्यालय में प्रतिनियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर से जिनकी सेवा लगातार 3 वर्षों में एक ही स्थान पर ली जा रही है, उसके उन्हें 3 इच्छित स्थान पर स्थानांतरण हेतु विकल्प प्राप्त का निर्देशालय को 25/6/22 तक अचूक रूप से ईमेल के माध्यम से एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए। विदित हो कि जिन ऑपरेटर के द्वारा विकल्प नहीं दिया जाएगा तो यह मानकर स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि उन्हें पूरे बिहार में किसी भी कार्यालय में स्थानांतरण पर एतराज नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप स्थानांतरण करना चाहते हैं तो आपको अपना लेटर, स्थानांतरण संबंधी लेटर आपको निदेशालय के ईमेल आईडी पर भेजना पड़ेगा, वरना आपका किसी भी बिहार के कहीं भी जिले में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर कोई कर्मी 3 साल से लगातार किसी कार्यालय में कार्यरत है, उनको सेवा के दौरान 3 मनचाहा जगह स्थानांतरण कर सकता है, अपना स्थानांतरण कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्थानांतरण यानी ट्रांसफर संबंधी लेटर निदेशालय को ईमेल आईडी के माध्यम से भेजना होगा, ठीक है। निदेशालय चाहे तो आपका स्थानांतरण मनचाहा स्थान पर कर सकता है, अगर वो नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर निदेशालय की अनुमति हो, तब आप अपना स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी कि मनचाहा, लेकिन आपको निदेशालय की सहमति लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इस लेटर में लिखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आप अपना स्थानांतरण किस तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।